जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल रेसिपी आटा ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो कि खाने में जितना मज़ेदार होता है उतना ही वो हेल्दी भी होता है। करना क्या है, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। मैं मोनिका गुप्ता फूड एंड फन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और करना क्या है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे बताए टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते रहिए, तो आप भी बना सकते हैं ऐसे हेल्दी लड्डू। तो आइए देखें कैसे बनते हैं ये आटा ड्राई फ्रूट्स लड्डू। बनाने के सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें हाफ कप काजू, बादाम हाफ कप, किशमिश और 1/4 कप पिस्ता और थोड़े से खरबूजे के बीज, 2 कप मखाना और ये हाफ कप के करीब में मैंने गोंद लिया है। गोंद आपको मार्केट में कहीं भी ईजिली मिल जाता है। और इसको सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है 1/2 किलो के करीब में आटा, गेहूं का आटा। घी आपके अकॉर्डिंग है, कितना कम से कम आप लगा सकते हैं, ये मेरा घर का बना हुआ देसी घी है। और पिसी हुई चीनी, चीनी जो है आटा के अकॉर्डिंग ही है, जितना आटा है उतना ही चीनी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी पिसेगा जब तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप कम खाते हैं तो कम चीनी भी डाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब में घी लिया है, घी मेल्ट होगा, फिर मैं इसमें काजू डालकर भूनूंगी। काजू दोस्तों शरीर की ताकत को बढ़ाता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। वैसे तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, और ये बात का ध्यान रखना है हमें कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो धीमी आंच पे ही हमें तलने हैं। देखिए काजू सुनहरा हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत तेज़ आंच पे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो तलेंगे तो उसे जलने का डर रहेगा और फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं होंगी। जब तक इनके अंदर क्रंचीनेस नहीं रहे तब तक मज़ा नहीं आएगा लड्डू का। तो अब मैं बादाम डाल रही हूँ और बादाम में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कई बीमारियों को दूर करने के साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। और बादाम भी हमारा फ्राई हो रहा है, ये देखिए बादाम जब फ्राई होने लगता है तो इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, चटकने लग जाता है, तो यही बादाम फ्राई होने का मतलब एक आपको संकेत है कि बादाम फ्राई हो चुका है। तो आप बादाम को निकाल लीजिए और देखिए बादाम भी हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना चाहती तो इसी घी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स तलने का कोशिश करूँगी कि तल जाए इसी घी में। तो अब मैं डाल रही हूँ पिस्ता। पिस्ता में पाया जाता है दोस्तों फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, जो कि सिर दर्द को कम करता है और शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। तो हमारा पिस्ता भी अब फ्राई हो चुका है और इसे भी हम निकाल लेते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग ही फ्राई करना है, एक साथ फ्राई नहीं करना है, क्योंकि सबके फ्राई करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब मैं डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश को फ्राई करने का, जब किशमिश जो है फ्राई होके फूल जाए तो उसे तुरंत निकाल लेना चाहिए। किशमिश भी बहुत हेल्दी होता है दोस्तों। ये देखिए ये फूल रहा है धीरे धीरे करके, और जब ये फूल जाए एकदम से तो इसे निकाल लेंगे, जलने ना पाए। और किशमिश भी लगभग फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमें बहुत ही धीमी आंच पे तलने हैं, फ्राई करने हैं, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और क्रंचीनेस नहीं आएगी। अब मैं गोंद डाल रही हूँ इसमें। गोंद भी मैं थोड़े ही घी है तो मैं उसी में
कोशिश कर रही हूँ कि सारे ड्राई फ्रूट्स तल जाएं। तो गोंद देखिए, गोंद को जब आप घी में डालते हैं, घी गर्म रहता है तो वो फूल कर इस तरह से फूल जाती है, हल्की हो जाती है, आपको पता चल जाएगा। गोंद भी बहुत हेल्दी होता है। सुबह सुबह अगर गोंद के लड्डू खाकर दूध पिया जाए तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है गोंद। गोंद के चीज़ें खाने से जो है हार्ट पेशेंट को जो है बहुत फ़ायदेमंद रहता है, साथ ही आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। अब मैं इसी में एक चाय की छन्नी स्टील की लगा के खरबूजे का बीज भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसमें डालूँगी तो फिर खरबूजे का बीज जल्दी निकाल नहीं पाऊँगी और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इसी में छन्नी डालकर मैं फ्राई कर रही हूँ। आप बहुत ही सावधानी से करें अगर करें तो, और नहीं तो आप इसमें डायरेक्ट भी डालकर फ्राई कर सकते हैं, बस आप झट से निकाल लीजिएगा उसे डाल के। खरबूजे का बीज भी फ्राई हो चुका है और अब जितना घी बचा हुआ है उसको मैं यूज़ करूँगी मखाना फ्राई करने के लिए। तो सारे मखाने अब इसमें डाल दूँगी और घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतने ही घी में मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई हो गए। मैंने कम से कम घी यूज़ करने की कोशिश की। ये देखिए मखाना भी फ्राई हो रहा है धीरे धीरे। और मखाना चेक करने का तरीका है कि जब वो फ्राई हो जाए हल्का सा लाल, तो आप उसको ऐसे तोड़ के देखिए, अगर वो आराम से टूट जाता है तो फ्राई हो गया है। अभी ये थोड़ा सा और फ्राई होगा क्योंकि आराम से नहीं टूट पाया ये, तो अभी थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ मैं। मखाने में बहुत सारा कैल्शियम होता है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ये देखिए अब एकदम से फ्राई हो गया, ये आराम से, ये मतलब हाथ से ही टूट गया। अब मखाने को भी निकाल लेते हैं हम। अब कढ़ाई को किसी टिश्यू से या फिर कपड़े से पोंछ लेंगे और इसमें डालेंगे हम घी, देसी घी। मैं करीब करीब इसमें आटे के अकॉर्डिंग 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी डाली हूँ मैं, और इसमें मैंने आटा डाल दिया है। अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर भुनेंगे। आंच एकदम धीमी होनी चाहिए और घी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ चमचे की सहायता से ही, और धीमी आंच पे ही इसे भुनेंगे। आपको पता चल जाएगा जब इसमें से सौंधी सौंधी स्मेल आने लगेगी, आपको खुशबू महसूस होने लग जाएगी, तो समझ लीजिए आटा जो है वो भुन रहा है और हल्का सुनहरा भी हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा आटे का। तो इसे चलाते हुए हम धीमी धीमी आंच पे भुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, आटे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और मैं इसे लगातार चला रही हूँ। ये देखिए इसमें से अब खुशबू भी आने लग गई है, और ये देखिए अब इसका कलर आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो पहले वाले कलर से और अब इसके कलर में डिफरेंस पता चल रहा होगा। थोड़ा सा और भुनेगा ये, इसी तरह लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। ये देखिए आटा भूनकर तैयार हो गया है। हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है इसको। एक तरफ आटा ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं और तब तक हम ड्राई फ्रूट्स मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। इसमें मैंने काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश डाल लिया है और इसे हम पीस लेते हैं। ये पीस कर तैयार हो गया है, अब इसे हम आटे में डाल देंगे। अब हम मखाना पीस लेते हैं। मखाना भी पीस कर तैयार हो गया है, इसे भी हम आटे में डाल देंगे।
अब बचा है गोंद, तो उसे भी हम पीस लेते हैं। और ये बचा है खरबूजे का बीज, तो इसे हम ऐसे ही डाल देंगे, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गोंद को भी पीस लेते हैं, गोंद भी पीस कर तैयार हो गया है। और ये सब हमें दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट्स एकदम बारीक नहीं करना है, मखाना और गोंद को छोड़कर बाकी सब हमें दरदरा ही पीसना है। अगर आप चाहें कि पसंद नहीं है लोग मतलब घर में सबको, तो आप महीन भी पीस सकती हैं, तो इससे पता नहीं चलेगा कि हाँ इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं इतने सारे। अब इसमें चीनी भी ऐड कर लिया मैंने, क्योंकि आटा हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो गया था, तो इसमें चीनी ऐड करके और चमचे से हम इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको घी कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग घी थोड़ा सा डाल सकती हैं, हल्का सा गरम मेल्ट करके ही आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे अभी हाथ से मिक्स करूँगी तब पता चलेगा कि लड्डू बन पा रहा है कि नहीं। अगर लड्डू बन जा रहा है तो फिर मैं इसमें घी ऐड नहीं करूँगी। इस तरह से हाथ से दबा दबा के आपको लड्डू बनाने हैं। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया मेरा इसी इतने ही घी में, तो मैं और ऐड नहीं करूँगी। इसी तरह से आपको सारे लड्डू बनाने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। रेसिपी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।